स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। अपरा एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने जन कल्याण के हित के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो ध्यान से सुनो। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। जो मनुष्य मृत्यु के बाद प्रेत योनि में चले जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। इसलिए इस एकादशी के दिन अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए और इस व्रत को पूर्ण भक्ति भाव से करना चाहिए। अपरा एकादशी की कथा के अनुसार पुराने समय में दो भाई थे, महीध्वज और छोटा भाई वज्रध्वज। महीध्वज बड़ा होने के कारण अपने राज्य का राजा था। वो बहुत धर्मात्मा और ज्ञानी था। उसके राज्य में उसकी प्रजा बहुत खुशी से रहती थी और अपने राजा की बहुत प्रशंसा करते थे। अपने बड़े भाई की इतनी प्रशंसा सुनकर छोटा भाई नाराज रहता था। एक दिन उसने बहुत बड़ा अपराध किया। उसने अपने बड़े भाई का वध कर दिया और उसके शव को ले जाकर अपने राज्य के बाहर एक पीपल वृक्ष के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज को प्रेत योनि में जाना पड़ा और वो प्रेत आत्मा बनकर उसी पीपल वृक्ष पर रहने लगा और वहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशान करने लगा। एक दिन की बात है, उस रास्ते से एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे। उनको अपने तपोबल से अपने आसपास किसी प्रेत के होने का अंदेशा हुआ। फिर उनकी नज़र पीपल वृक्ष पर पड़ी और प्रेत को देखते ही उनको सब कुछ ज्ञात हो गया कि ये प्रेत इस योनि में कैसे आया। ऋषि मुनि ने प्रेत को वृक्ष से नीचे उतारा और उसको परलोक विद्या का ज्ञान दिया और फिर प्रेत योनि में रह रहे राजा के लिए अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान का पूरा फल प्रेत को दिया। अपरा एकादशी के अनुष्ठान का फल मिलते ही राजा प्रेत योनि से बाहर आए और ऋषि देव के चरणों में प्रणाम करके एक दिव्य विमान में सवार होकर वैकुंठ को चले गए। इस कथा को पूर्ण करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य इस अपरा एकादशी के व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करता है, उसे ब्रह्मा हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। अपरा एकादशी करने वाले मनुष्य के जीवन में धन की कोई समस्या नहीं रहती। वो इस लोक के सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। इसलिए अपरा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।